ਤੁਹਾਨੂੰ मैडम, पहले आप जब आती थी तो मुझे हमेशा 100 रुपए देती थी और अब ये सिर्फ 10 रुपए। तब मैं कवारी थी। फिर आप 50 रुपए देने लगी। क्योंकि तब मेरी शादी हो गई थी। और उसके बाद 25 रुपए। क्योंकि तब मेरा एक बच्चा हो गया था। और अब सिर्फ ये 10 रुपए। क्योंकि अब मेरे 2 बच्चे हैं, तभी तो तुम्हें 10 रुपए दे रही हूँ। वाह मैडम जी वाह, मजा आ गया बात सुन के। इसका मतलब आपके पूरे परिवार का खर्चा तो मेरे पैसों से चल रहा था। क्या कहा, फिर से कहना। चलो छोड़ो मैडम जी, रहने दो। मैं तो सुबह से भूखा बैठा हूँ, आपका घर तो सामने ही है, मुझे 2 रोटी ला के दे दो। भगवान आपका भला करेगा। देखो अभी तो मैं बाजार जा रही हूँ, बाद में आके ले जाना। कोई बात नहीं मैडम, आप मेरा नंबर ले जाओ और मुझे मिस कॉल कर देना, मैं आकर ले जाऊंगा। मिस कॉल की क्या जरूरत है, जब रोटी बन जाएगी ना तो मैं तुम्हें 2 रोटी व्हाट्सएप कर दूंगी, तुम डाउनलोड करके खा लेना। हे भगवान, क्या जमाना आ गया है, रोटियां भी कब से व्हाट्सएप होने लगी। तब से व्हाट्सएप होने लगी जब से भिखारी फोन रखने लगे। मैडम जी, व्हाट्सएप पर शादियां भी हो जाती है क्या? हाँ शादियां हो जाती हैं। तो मैडम जी प्लीज मेरी करवा दो ना। पर किससे? अरे आपकी बहन से और किससे। साला ऐसा मैंने क्या कह दिया जो चांटा मार के चली गई। दीवानों से ये मत पूछो, दीवानों पे क्या गुजरी है, गुजरी है। चलो जाओ यहाँ से। के दिलों से ये पूछो। मैडम शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारे कॉलेज का दोस्त रवि, जो तुम पर मरता था। तुमने गरीब होने के कारण मुझे ठुकरा दिया। मगर तुम भीख कब से मांगने लगे? तुमसे बिछड़ने के बाद मैं तुम्हारे गम में भिखारी बन गया। अब मैं तुमसे कुछ मांगू तुम दोगे ना? चलो मांग लो, पर ध्यान रखना मेरे पास छुट्टे वुट्टे नहीं है। और हाँ 500, 1000, 2000 की मांग। ये सब मुझे नहीं चाहिए,
तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारा हाथ, तुम उससे शादी कर लो ना। शादी? और तुमसे? शक्ल देखिए अपनी, तुमसे शादी करने से अच्छा है कि मैं आत्महत्या कर लूं। कमबख्त, मर जाएगी पर किसी गरीब के काम नहीं आएगी। तुम पढ़े लिखे हो, कहीं नौकरी पे क्यों नहीं लग जाते? मुझ गरीब के साथ क्यों मजाक कर रही हो? मुझे कौन नौकरी देगा? अरे मैं दूंगी तुम्हें नौकरी। आप? सच? पर मुझे करना क्या होगा? तुम मेरे सेक्रेटरी बन जाओ बस। सेक्रेटरी? अरे तुम मुझे अपना पति बना लो ना। दूर हट, ये नहीं हो सकता। फिर जीजा बना लो। ये भी नहीं हो सकता। ये भी नहीं हो सकता? फिर मैं कुछ ना कुछ बन ही जाता हूँ। अच्छा अब आई ना तुम्हारे समझ में। अच्छा ये बताओ कि तुम क्या बनोगे? मास्टर? नहीं नहीं नहीं। बैंक मैनेजर? अरे नहीं 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 नहीं। पियोन? नहीं 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 नहीं। वकील? अरे बिल्कुल नहीं 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 नहीं। अरे ये नहीं बनोगे तो फिर क्या बनोगे आखिर? तुम्हारे बच्चों का बाप। बच्चों ज्ञान की बात सुनो, 2030 में पृथ्वी पर ऐसी परले आएगी जिसमें सब कुछ तबाह हो जाएगा, पृथ्वी पर कुछ भी नहीं बचेगा। मैडम जी उस दिन हमारे स्कूल की छुट्टी रहेगी। मेरा तो कुछ नहीं हो सकता। चल बता, तुम्हारे पास 15 सेब है ना, ना, ना। और इस प्रश्न का उत्तर तुमने बिल्कुल ठीक देना वरना मुर्गा बना के पिटूंगी। उसमें से 6 सेब तुमने डोली को दे दिए, 4 सेब तुमने दीना को दे दिए और 5 सेब तुमने कविता को दे दिए। बताओ पप्पू तुम्हें क्या मिला? मैडम जी मुझे तो 3 गर्लफ्रेंड मिल गई, सेब तो सारे बट गए। मैडम जी अब मेरे एक क्वेश्चन का आंसर आप दो। हाँ हाँ पूछ। आई एम मैड, इसका क्या मतलब होता है मैडम जी? मैं पागल हूँ। बिल्कुल ठीक कहा आपने। सुनो आज मैं तुम्हें ज्ञान का पाठ पढ़ाऊंगी। पप्पू सबसे पहले ये बताओ कि तुम कल स्कूल में क्यों नहीं आए? मैडम जी कल मैं ना सपने में अमेरिका गया था इसलिए स्कूल नहीं आ पाया। ठीक है ठीक है। बोलू ये बताओ तुम भी कल स्कूल में क्यों नहीं आए? मैडम जी कल मैं पप्पू को एयरपोर्ट छोड़ने गया था इसलिए स्कूल नहीं आया। चल पप्पू खड़ा हो और इधर आ। मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। पूछो मैडम जी। जिस इंसान को सुनता ना हो उसे आप क्या कहेंगे? मैडम जी साढ़े को कुछ भी कह दो उसको सुनता तो है नहीं। चुप, बकवास मत करो। अच्छा गोलू अगला प्रश्न तुम बताओ। हा? भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ गिरती है? गोलू मैंने कुछ पूछा है तुमसे कि भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ गिरती है? गोलू मैं तुमसे पूछ रही हूँ, चुप क्यों? चलो बताओ भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ गिरती है? मैडम जी ये गोलियां तो पागल है, कहो तो मैं इस प्रश्न का उत्तर दूं। बस तुम रहने दो। गोलू जल्दी से बताओ कि भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ गिरती है? मैडम जी ये गोलियां तो निखट्टू है, इसे कुछ नहीं आता, आप बोलो तो इस प्रश्न का जवाब मैं दूं। डाल्टा घी के डब्बे जैसे मुंह वाले, इतना कह रहा है तो चल तू जवाब दे, लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले,
अगर तूने इस प्रश्न का गलत जवाब दिया तो तुझे मुर्गा बनाऊंगी। मैडम जी क्वेश्चन फिर से रिपीट करो। भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ गिरती है? भारत में बारिश सबसे ज्यादा कहाँ गिरती है? जमीन पर मैडम जी। नलायक ये बता मैं तेरे कहाँ मारूं? चल चुपचाप तो बैठे यहाँ पे। बोलो अगले प्रश्न का जवाब दो। रेलवे लाइन के पास फाटक क्यों बनाई जाती है? बोलो। मैंने तुमसे सवाल पूछा है कि रेलवे लाइन के पास फाटक क्यों बनाई जाती है? मैडम जी ये गोलू एक नंबर का निखट्टू आवारा है, पागल है, इसको कुछ नहीं आता। आप कहो तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं दूं? चल तू ही बता। मैडम जी क्वेश्चन फिर से रिपीट करो। रेलवे लाइन के पास फाटक क्यों बनाई जाती है? रेलवे लाइन के पास फाटक क्यों बनाई जाती है? मैडम जी इसलिए बनाई जाती है कि कहीं रेल शहर में ना घुस जाए। शांति, ओए शांति, कहाँ मर गई तू? हाँ बोल, क्यों मंत्री की तरह चिल्ला रहा है? ला मुझे 10 रुपए दे। क्यों, मैं तेरे बाप के शुगर मिल चला रही हूँ तो तुझे दे दूँ 10 रुपए शराब पीने के लिए? अरे तेरे से मैंने 10 रुपए क्या मांग लिए, तू तो खाने को पड़ जाती है। तू चुपचाप चला जा यहाँ से, मेरे से और कुछ मत ले लियो। काम ना काज का दुश्मन अनाज का, इसे तो शराब के सिवाय और कोई काम है ही नहीं। दुनिया में दूसरे आदमी शराब पी लेते हैं 2 दिन तो लूज मोशन होके मर जाते हैं, दुश्मन को तो कुछ होता भी नहीं है। अरे तू तो चाहती है कि मैं मरूं और करूं, पर एक बात याद रखना, तुझे मैं ही झेल सकता हूं, कोई और तुझे झेलेगा भी नहीं। 10 रुपए अगरबत्ती के क्या मांगे, चुड़ैल ने क्लेश खड़ा कर दिया। खबरदार मुझे चुड़ैल कहा तो ईंट की मार कर सर फोड़ दूंगी। 10 रुपए कम पड़ते होंगे पौवे में। मेरी तो किस्मत खराब थी जो मैंने तेरे से शादी करवा ली। मेरे को तो सुंदर सी ब्यूटीफुल सी लड़की का रिश्ता आ रहा था, पर मेरे को क्या पता था इस सूखे पेड़ से जफ्फा डालना पड़ेगा। किस्मत सड़ गई मेरी, भगवान करे मरे वो बिचौलिया जिसने मुझे तेरे साथ बांध दिया, बुढ़े पेड़ के साथ नंगड़ कहीं का। अरे तूने मेरे को नंगड़ बोला? हम नंगड़ है? नंगड़ है तेरा बाप जिसे इतना भी नहीं सरा कि जवाई राजा के गले में कम से कम चेन तो डाल दूं। चेन की जगह तेरे गले में सिलेंडर डालता और आग लगाती मैं। तू मेरे को बस उस बंदे का एक बार नाम बता दे, बस एक बार, जिसने तेरा नाम शांति रखा था। साले का जीना हराम कर दूंगा मैं। अरे तेरा नाम शांति नहीं, तेरा नाम तो कलेशनी होना चाहिए था। कलेशनी कलेशनी नाम रख अपनी माँ का जिसने तेरे जैसे राक्षस को जन्म दिया, और तेरी बहन का जिसने नजर लगा लगा कर मेरी सेहत नहीं बनने दी। चुप, सुरूपन खा। अरे मैं सुरूपन खाऊं तो तू भी रावण है रावण। चल साली 10 रुपए के पीछे रिश्ता खराब कर रही है, पति पत्नी से भाई बहन का रिश्ता जोड़ रही है। चल कपड़ा उठ, भैंस उठ, उड़ाली दी थी। अरे चाचा जी कैसे हो? ठीक हूँ। और खा लिया क्या चाची का हाथ का परोठा? छोड़ दे। और चाचा जी और खाना गरम गरम परोठा? छोड़ दे, गलियां में टपरियां ने दिमाग, ना घर में चैन ना बाहर चैन। और बाजे क्या हाल है? बुरा हाल है जी, बहुत परेशान हूँ। और हे भगवान, तू मेरी प्रार्थना सुन, मन्ने बस तू शांति दे दे। रहो साले गधे की शक्ल वाले, और वो साले का खोपड़े में कहीं सारा गुस्सा तेरे पे उतर जाए। शांति दे दे। लो
भाईयो कर लो बात है, आपा भगवान शांति भी को नहीं मांग सका क्योंकि शांति को ठेको पंदू ने खो रखी है। हाँ ले रखा मैंने ठेका शांति का, शादी करके लाया हूँ, रामलीला से उठा कर नहीं लाया, सड़ा बिच्छू की शक्ल वाला। मास्टर जी इसने समझा ले, सड़ा फालतू में बकवास करे। अरे ओ पंदू इसमें आपको क्या गलत बोल दिया, मास्टर जी आप ही समझाओ इसे, शांति तो मांगी है। अरे भाई ये कलयुग है कलयुग, इसमें हर एरा गेरा शांति मांगता है। सारे सारे कदे सकते हैं तीनों के तीनों, ना घर में क्या ना बाहर क्या। क्या हो रहा है आज, ना बाज आया ना लुन्ना आया, पता नहीं आज सुबह सुबह किसका मुंह देखी हो, कोई भी नहीं आया। आए हाय मैडम कैसी हो? ठीक हूँ बाज, आ बैठ। और सुनाओ क्या हाल है? मेरे तो ठीक है, तू बता तू कैसा है? बहुत बढ़िया। अच्छा बढ़िया तो तू ऐसे भी रहता है। बड़ी जुल्फे खिला रखी आपने। बस तेरे प्यार का असर है ये। ओहो वाह वाह खुश कर दिया तूने। अच्छा सच में? वो कैसे ये तो बता। आज तो तूने खुश कर दिया। अरे खुशी खुश बोलेगा या कुछ माल पानी भी लाया है? माल लाया हूँ ना, तो दे। ये ले। बस इतना ही? अरे और भी हैं। तो निकाल ना। निकाल देता हूँ जाने मन। अरे ये सारे दे दे तो मुझे। अरे आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। अरे मैं तेरा जान लेके क्या करूंगी? अब तो मुझे खुश कर दे जाने मन। अरे हट, तूने मुझे खुश किया है तो मैं भी तुझे खुश तो जरूर करूंगी। अरे जानू घर पर है क्या? तू इधर छुप जा जल्दी जा। हाँ बैठ। लुना कैसा है तू? अरे ठीक है मेरी जान, तू सुना? मैं भी ठीक हूँ। और बता कैसा है तू? बढ़िया है मेरी जाने मन, बस तुम्हें देखने के लिए आ गया। अच्छा और? देखने ही आया है या कुछ ले दे के भी आया है? अरे और किसी को क्या दू, मैं तो तुझे ही दे दू। तो ला दे। ये ले। ये क्या दे रहा है कलमुए? अरे 1000 रुपया है। इसमें क्या होता है? अरे इसमें तो सब कुछ हो जाए। चल हट, तू तो बस ऐसे ही करता है। अच्छा तुझे बड़ा पता है। और नहीं तो क्या, और भी कुछ लाया है? अरे और क्या लाऊं? अरे मेरी खाली हो गई गैज। तू तो हरदम ऐसे ही करता रहता है, खाली हो गई। चल हट। अब तू मुझे खुश कर दे, इतना ते मत लगा। राम जादे, अरे ये कौन आ गया? मैं खुश करता हूँ। कुत्ते कमीने कहीं के, तू ये काम करता है इधर? अरे तू कैसे आ गया यहाँ? तेरे को पकड़ने के लिए मैं इधर पीछे छुपा हुआ था। राम खोर, जितना मैं पैसा कमा कर लाता हूँ सारा का सारा तू यहाँ पर लुटा देता है। कुत्ते कहीं के, हराम खोर, निकल यहां से, चल भाग, हट, चल घर चल। और तू मक्कार औरत, धोखेबाज, सारे गांव वालों के लड़कों को खराब कर रखा तुमने, और तो और मेरे भाई को नहीं छोड़ा तुमने। निकाल वो मेरे पैसे। कौन से पैसे तेरे? जो अभी दिए थे मैंने। कब दिए तूने मुझे पैसे? मैं अब बताता हूँ, मैं बोलता हूँ वो मेरे पैसे निकाल, वरना। वरना क्या? वरना मैं अभी तेरे पति को बुला कर लाता हूँ। हाँ हाँ जा जा बुला ला। बड़ा आया
पति को बुलाने वाला। हे भगवान, पता नहीं अब वो क्या क्या मेरे पति को बोलेगा, कितने कान भरेगा वो मेरे पति के। अब तो मेरी खैर नहीं। ये बैठी, संभाल तेरी औरत को। हन्नो, क्या ये जो बोल रहा है वो सच है? नहीं नहीं, ये जो बोल रहा है वो सच नहीं है। तूने इससे पैसे लिए या नहीं लिए? नहीं, मैंने कौन से इससे पैसे लिए। तूने इसके भाई से भी पैसे लिए ये बोल रहा है? ये तो सारी बातें झूठ बोल रहा है। मैं बार बार तेरे को ये पूछ रहा हूँ, जो ये बोल रहा है वो सच है या झूठ है? ये तो झूठ बोल रहा है, झूठ। झूठ नहीं भाई साहब, बिल्कुल सच है। आप इसकी बेशक तलाशी ले सकते हो। निकाल वो पैसे, मैं कहता हूँ निकाल, निकाल। मैं कहता हूँ पैसे निकाल। भाई साहब एक मिनट रुको, आपने कभी अपनी औरत को पैसे दिए? कभी नहीं दिए इसको मैंने पैसे। तो पूछो इससे कि वो पैसे इसके पास कहाँ से आए। मैं पूछता हूँ पैसे निकाल कहाँ है। ये पैसे कहाँ से आए? कहाँ से आए ये पैसे? मैं पूछता हूँ ये पैसे कहाँ से आए? पैसे हैं। तो इसका मतलब मेरे जाने के बाद तू ये काम करती है, नीच औरत। चल निकल यहाँ से, और आइंदा अपनी ये मनू शकल मेरे को मत दिखाना। ये पता है क्या तुझे आज मैं किस खुशी में पी रहा हूँ? शेर पैदा होने वाला है, शेर। मेरी बीवी को बच्चा होने वाला है, उस खुशी में एडवांस में मैं तेरा सेवन कर रहा हूँ। यू नो आई लाइक यू सो मच, तेरे में ना बहुत खूबियां है, यू आर सो टैलेंटेड। तुझे पीने के आओ डॉक्टर ने साहिबा आओ, बताओ क्या खुशखबरी लाए हो। मटरू बधाई हो बधाई, तुम्हें जुड़वा बच्चे पैदा हुए। लो ये तो होना ही था, वो प्रोग्राम ही ऐसे देखती थी टीवी पे, जैसे डांस इंडिया डांस टू, इंडियन आइडल टू, क्रिस टू, धूम टू, नच बलिए टू। चलो कोई बात नहीं, 15 पहले से 2 और आ गए। इसका मतलब तुम्हारे 17 बच्चे हैं। अरे हाँ, इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? Why are you surprised? मटरू, क्या तुम्हारे घर कभी जनसंख्या नियंत्रण वाले नहीं आए? आते हैं ना, आते हैं, क्यों नहीं आते, आते हैं। पर जैसे ही वो गेट खोलते हैं, इतने बच्चे देख के वो ये सोचते हैं यहाँ तो प्राइमरी स्कूल है, और वो वापस चले जाते हैं। मटरू एक बात और, तू ये शराब पीना क्यों नहीं छोड़ देता? तुम्हें पता है ये कितनी खराब चीज है। मुझे मालूम है जी, डॉक्टरनी जी, ये बहुत खराब चीज है, मुझे मालूम है। पर आपको पता है क्या, मेरे शराब छोड़ने से बहुत सारे नुकसान हो जाएंगे, और मैं नुकसान करना नहीं चाहता। आपको पता है मेरे शराब छोड़ने से बहुत सारे घर बेघर हो जाएंगे। वो कैसे मटरू? तो सुनो डॉक्टर ने जी, शराब के ठेके सरकार खुलवाती है, खुलवाती है ना? हाँ। और ये जो शराब की फैक्ट्रियां हैं, इसमें बहुत सारे मजदूर काम करते हैं, करते हैं ना मजदूर काम? हाँ। अब देखो, जो
मजदूर हैं वो फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। अगर शराब पीना मैंने छोड़ दिया तो वो भूखे मरेंगे। सरकार का नुकसान होगा जो अलग, क्योंकि उनकी शराब नहीं बिकेगी अगर मैं शराब नहीं पीऊंगा। और मैडम जी, जो ठेकेदार हैं उनका भी तो नुकसान होगा। और जो ठेकों के सामने जो रेड़ियां लगती है कुरकुरों की, चिप्स की, नमकीन की, वो भी तो बेचारे भूखे मरेंगे। तो मैडम जी, मैं कैसे इनके पेट पे लात मार सकता हूँ, कैसे इनको घर से बेघर कर दूं? मैं बहुत दरिया दिल हूं ना। किससे पाला पड़ गया मेरा, हे भगवान, किस घटिया इंसान से शादी होगी मेरी। मानती हूँ मैं कि मैं एक भिखारी की लड़की हूँ, भिखारी की, पर क्या हुआ, हूँ तो मैं सुंदर ना, किसी से भी शादी कर सकती थी, पर फूटी किस्मत मेरी जो इसके पल्ले बंध गई। क्या करूँ मैं, अगर कोई पैसे वाले बंदे से मेरी शादी होती तो मुझे खुश रखता, मौज मस्ती करती, मुझे पहनने के लिए नए नए कपड़े ला के देता, खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान ला के देता, नए नए सूट ला के देता। मटरू है घर पे? नहीं जी, वो काम पे गए हैं। अच्छा अच्छा, वैसे मटरू कहाँ गए हैं? भीख मांगने गए हैं जी। तो आप बताइए, उदास क्यों है, कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं जी, बस किस्मत कोई कोस रही थी। फिर भी कोई बात तो हुई होगी, ये सुंदर सा चेहरा मुरझाया हुआ अच्छा नहीं लगता, ये चेहरा तो हंसता खेलता अच्छा लगता है। कैसे हंसूं जी, जब घर में खाने के लिए कुछ ना हो, हंसी चेहरे पे नहीं आती। जब तक पहनने के लिए कुछ ना हो, पेट भूखा हो, कैसे हंसूं जी? अगर आप बुरा ना माने तो हंसी तुझे मैं दूंगा। वो कैसे जी? मैं तुझे अच्छे अच्छे कपड़े लेके दूंगा, अच्छे अच्छे गहने लेके दूंगा, अच्छे अच्छे शूज लेके दूंगा, तुझे बाजार घुमाऊंगा, तुझे सिनेमा हॉल में अच्छी अच्छी फिल्में दिखाऊंगा। आप मजाक तो नहीं कर रहे ना जी? मैं कभी मजाक नहीं करता, और मैं जो बोलता हूँ एकदम सच बोलता हूँ, और आज से तू मेरी और मैं तेरा, हम दोनों एक। अच्छा, तुम दोनों एक है, तो तेरा ये बाप किधर जाएगा? मैं करता हूँ तुम दोनों को एक, राम खोरो। तुझे मकान चाहिए, ये ले मकान, और ये ले तू गहने, और ये ले तू कार, और कुछ लेगी तू? बड़ी एकता में बल दिखाती है, हम दोनों एक है। शर्म नाम की चीज नहीं है तुम में। दोपहर के 10 बज गए और अभी तक सो रहे हो बेशरम कहीं के। दूसरे भिखारी इस टाइम तक ना 200 रुपए कमा लेते, और तो जितना कमाता है ना सारे इस दारू में उड़ा देता है। चुप कर तो बदतमीज, कहीं की पति के सामने बोल रही है। और रही भिखारी की बात, तो वो साले सब के सब नकली भिखारी है, नकली
धंधे के साथ बेईमानी करते हैं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वो सारे भिखारी मुझे सलाम करते हैं। सलाम, मेरी बहुत इज्जत है उनके बीच में। हाँ हाँ, सब जानती हूँ मैं कौन तुझे सलाम करता है और कौन सलाम नहीं करता। वो जो पियक्कड़ है ना तेरे जैसे भिखारी, तेरे पास तो फ्री में दारू पीने आते हैं, फ्री में, और तू उन्हें दारू पिलाने के लिए ना भीख मांग लेता है और गालियां भी सुन लेता है लोगों की, लेकिन मेरे लिए ना तू कुछ नहीं कर सकता। तो चुप हो जा, मैं तेरे लिए भी तो खाने को लाता हूँ ना बहुत कुछ। अच्छा, क्या क्या लाते हो बताओ मुझे। अच्छा, नेकी और पूछ पूछ। कल रात को ही मैं तेरे लिए शादी से मटर पनीर की सब्जी मांग के लाया था, रसगुल्ले लाया था, फ्रूट चाट लाया था, पकोड़े लाया था और आधी बोतल पेप्सी भी लाया था तेरे लिए रात को ही। जब तू घर का आटा बेच के दारू पी जाता है ना, तो 3 दिन तक चूल्हे में आग नहीं जलती, समझ गया? और जितने भी पैसे कमा के लेके आते है ना, उसको भी दारू में टपा देता है। तुझे क्या पता मैं घर कैसे चलाती हूँ, और ऊपर से ओ हो जनाब के नखरे देखो, जैसे भिखारियों के नेता हो नेता। अब कान खोल के सुन ले, अपना ये सामान उठा फटाफट और ड्यूटी पे जा। आई बात समझ में? ठीक है, जाता हूँ मैं, जाता हूँ। पहले ये रात की बची हुई तो लगा लूं। पता है कितना हार्ड वर्कर हूं मैं, पूरे दिन मेहनत का काम करना पड़ता है मुझे, थक जाता हूँ ना मैं। और सुन, शाम को ना जल्दी घर आ जाया कर, कहीं मैं पूरा दिन भूखी बैठी रहूं। ठीक है, जा रहा हूँ। वैसे भी आज का पूरा दिन बहुत बिजी रहने वाला है मेरा, मेरे जो एरिया है ना उनको कवर करने हैं मुझे, सारे पेंडिंग पड़े हैं। वैसे पंदू की कॉलोनी में भी जाना है, मास्टर की डाणी में भी जाना है, बहुत लेंथी काम है। चल फिर मैं निकलता हूँ। ओके बाय, सी यू। चला भी।